नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर फर्रुखाबाद से। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय त्रिपाठी नीम करोरी स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन द्वारा उतरे, साथ में उनकी पत्नी एवं डीआरएम प्रयागराज मोहित चंद, डीएजीएम मनु प्रकाश दुबे, सीनियर डीसीएम अंशु पांडे, सीनियर डीएससी मनोज कुमार सिंह तथा रेलवे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। स्टेशन पर उतरने के बाद कारों के काफिले से नीम करोरी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। वहां पर मंदिर के पुजारी भानु प्रकाश एवं रामलखन वाजपेयी ने उन्हें मंदिर में पूरी पूजा अर्चना करवाई। इसके पश्चात पुजारी जी के माध्यम से गांव वालों ने नीम करोरी गांव में रेलवे अंडरपास बनवाने की मांग की और कुछ व्यापारियों ने रैक प्वाइंट बनवाने की मांग की। महाप्रबंधक ने बताया कि कुछ समय बाद ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी एवं उस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नीम करोरी रेलवे स्टेशन का जोरदार किया जाएगा एवं कालिंद्री एक्सप्रेस का ठहराव, लोगों ने की मांग। लगभग कब तक हो जाएगा? ये दिसंबर तक हो जाएगा। दिसंबर तक? हाँ। क्या सर इस पर कोई और ट्रेनें चलाने के लिए? बिल्कुल, ट्रेन चलेगी, स्पीड बढ़ेगी। इसकी स्पीड ऑलरेडी 75 km/h हो गई, पहले 50 थी, 100 भी हो जाएगी जल्दी। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो गाड़ियाँ चलेंगी। जी जी सर, ये बहुत बड़ा नीम बाबा नीम करोरी धाम के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लेकिन आपने देखा यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत लोअर टाइप की है, क्या इसे देखा जाएगा आगे? अच्छा, इम्प्रूवमेंट जरूर कुछ करवाएंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। फर्रुखाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।